एसी सर्किट स्टार्ट किए थे। एसी सर्किट के अंतर्गत हम प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट देखे थे। प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट देखे थे, उससे हमने यही कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी रजिस्टिव नेटवर्क प्योर रजिस्टर के अक्रॉस किसी एक्सटर्नल एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड वोल्टेज के कारण उसमें जो अल्टरनेटिंग नेचर का जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल करेंट का फ्लो होता है, तो उसमें फ्लोइंग करेंट और उसके क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज के बीच में फेस रिलेशन कैसा है, दोनों का नेचर कैसा है, पावर कैसा है, सारे चीज़ देखे थे। सिमिलरली हमने इंडक्टर का केस देखा था, प्योर इंडक्टिव सर्किट देखे थे। आज हम प्योर कैपेसिटी सर्किट देखेंगे कि कैपेसिटर का जो नेचर है किसी एसी वोल्टेज के केस में कैसा रहता है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कैपेसिटिव एसी सर्किट। कैपेसिटिव एसी सर्किट, ठीक है, तो कैपेसिटिव एसी सर्किट। कैपेसिटिव एसी सर्किट में क्या होता है, कोई सपोज ये आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सी फैराड से। ठीक है, फैराड उसकी यूनिट है। सपोज इस कैपेसिटर के अक्रॉस हम एक्सटर्नल एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इस अप्लाइड एक्सटर्नल एसी वोल्टेज को मैं किससे शो कर देता हूँ, वी से। अब वी इक्वल टू दे देता हूँ वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर हुआ। सपोज इस अप्लाइड एक्सटर्नल एसी वोल्टेज के कारण इस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लोइंग करेंट को क्या दे देता हूँ मैं, आई। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही हम इस कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी फैराड है, उस कैपेसिटर के क्रॉस में हम एक्सटर्नल एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस अप्लाइड एक्सटर्नल एसी वोल्टेज के कारण ये जो कैपेसिटर है वो दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है, चार्ज्ड होता है। कैपेसिटर इज चार्ज्ड फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, मतलब कैपेसिटर सबसे पहले एक डायरेक्शन में चार्ज्ड होता है, उसके बाद फिर वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो चार्ज होता है। सपोज अजम्पशन करते हैं, सपोज ले वी इज स्मॉल वी, माना हूँ मैं पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप्ड बिटवीन दी प्लेट्स। ठीक है, सपोज वी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, वह सपोज वी जो है पोटेंशियल ड्रॉप है जो उस कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जैसे ही हम उसमें एक्सटर्नली वोल्टेज वी अप्लाई कर रहे हैं, उस अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज वी के कारण उस कैपेसिटर में क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप है, वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप्ड बिटवीन प्लेट्स एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, डेवलप्ड बिटवीन दी प्लेट, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में सपोज उसके दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप जो डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है पी डी, उसकी वैल्यू को क्या मान लिया मैं, वी। सपोज क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पर हम इसमें सपोज उसमें टोटल चार्जेस कितना है, क्यू कूलम। तो इस क्यू कूलम के चार्जेस के कारण उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है वो कितना है, वी है। ठीक है, देन वी नो दैट हम जानते हैं रिलेशन से क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू क्या होता है, वी होता है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी। क्यू इक्वल टू क्या है, आपका चार्जेस है, वह चार्ज की वैल्यू है जो उस कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी कैपेसिटर में क्या होता है, बिल्डअप होता है, डेवलप होता है। सी क्या है, कैपेसिटेंस है, और वी क्या है, उस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो इस एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स वी के साथ किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, पहला मतलब इस एसी वोल्टेज सोर्स का एक टर्मिनल इस कैपेसिटर के एक टर्मिनल से, किसी दूसरी टर्मिनल कैपेसिटर की दूसरी टर्मिनल से, तो दोनों आपस में क्या है आपका, दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है,
दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, पैरेलल फॉर्म में। तो पैरेलल के केस में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो दैट मीन्स जो अप्लाइड जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अक्रॉस क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू सी वी हो जाएगा, फाइनली अप्लाइड वोल्टेज वी जो है इसके प्लेट के बीच डेवलप्ड वोल्टेज का इक्वल होगा। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, और वी का वैल्यू हो जाएगा वी एम इंटू क्या लिया, साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर वी एम इज नथिंग बट इट इज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और पीक एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। क्लियर हुआ, उस साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करेक्टरिस्टिक्स वाले वोल्टेज की क्या है, पीक वैल्यू। ठीक है, अब ये क्यू विल क्या मतलब, इतने ही इतने कूलम का चार्जेस जो होगा उस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अंदर क्या होंगे, बिल्डअप होंगे, डेवलप हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा उस कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की क्षमता रखता है, एबिलिटी रखता है। और कोई भी कैपेसिटर की अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को उस कैपेसिटर का क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और उसकी कैपेसिटेंस की यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट फैराड होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम उस पे इतने अमाउंट में वोल्टेज अप्लाई किए, V इक्वल टू वी एम इंटू साइन ऑफ, इस साइनोसाइडल नेचर की, इस अल्टरनेटिंग नेचर की हमने वोल्टेज उसके टर्मिनल के उसके क्रॉस अप्लाई किए, तो अप्लाई करने से उसके अंदर V वोल्टेज है वो क्या हुआ, बिल्डअप हुआ। तो उसके अंदर जो चार्जेस जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इक्वल टू सी एम इंटू सी इंटू वी एम इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। नाउ करेंट जो होगा, करेंट थ्रू कैपेसिटर, थ्रू कैपेसिटर, तो कोई उस पर्टिकुलर कैपेसिटर में करेंट थ्रू कैपेसिटर, करेंट थ्रू कैपेसिटर विल बी, तो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर के थ्रू करेंट जो होगा, हम जानते हैं क्या जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एट पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब एक यूनिट टाइम इंस्टेंट में, एक यूनिट टाइम में किसी सर्किट में, किसी पाथ में, किसी स्पेसिमेन में फ्लो होने वाले चार्जेस का रेट है। तो फ्लो होने वाला आई फ्लोइंग करेंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एट पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और अभी अभी मैं क्यू की वैल्यू निकाला, इस क्यू की वैल्यू को इधर पुट कर दो, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्यू इन दिस इक्वेशन, नंबरिंग कर देना, तो डी बाई क्या हो जाएगा ये डी टी, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा सी इंटू वी एम इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर हुआ, सी कांस्टेंट पैरामीटर बाहर निकल जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, वी एम भी कांस्टेंट है वो अंदर वो भी बाहर निकल जाएगा, डी बाई क्या हो जाएंगे डी टी और इनटू क्या हो जाएंगे साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो आई सी इनटू वी एम हो जाएगा, सी इनटू क्या होगा वी एम, साइन ओमेगा टी का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये ओमेगा का बाहर मल्टीप्लाई होगा और साइन ओमेगा, साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी होता है। क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा आपका वी एम इंटू सी ओमेगा इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा ये ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएंगे आई। तो ये आई जो है उस पर्टिकुलर कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करेंट है। अगेन मैं इसको अगर मैं कोसाइन फंक्शन को अगेन ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करूं, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूले ये वी है वी एम सी इंटू ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, मतलब साइन 90 प्लस थीटा वाला फार्मूला इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा के जगह में ओमेगा टी है 90 या फिर पाई बाई टू लिख सकते हो, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा 90 प्लस थीटा होगा। उसके बाद फिर इसको फिर से मैं रीअरेंज कर दूँ, तो रीअरेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये वी एम डिवाइडेड बाय इसको लिख सकता हूँ 1/c इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा ये ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएंगे ये 90 डिग्री आई। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सी इंटू ओमेगा को नीचे ले आया न्यूमरेटर में, उसको डिनोमिनेटर में ले आया, फिर से इसको रीअरेंज करता हूँ, मान लिया जाए फिर से रीअरेंज करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर में फ्लोविंग जो करेंट है वो क्या हो जाएगा वी एम
वी एम डिवाइडेड वन अपान क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू सी हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस क्या होगा, ये 90 डिग्री होंगे, ओमेगा टी प्लस 90। तो वी एम डिवाइडेड बाई वन अपान ओमेगा सी, यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर, लिख सकते हैं वेयर वन अपान ओमेगा इंटू सी है, उसको क्या रिप्लेस कर देते हैं हम एक्स सी से, वेयर एक्स सी इज वॉट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी को क्या बोलेंगे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे एक्स सी, ठीक है। और एक्स सी इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं वन अपान ओमेगा सी, और ओमेगा का मतलब होता है यहाँ पर टू पाई एफ इंटू सी इक्वल टू एक्स सी। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, कैपेसिटर की वैल्यू है फैराड में होता है, तो एक्स सी की यूनिट है वो क्या होंगे, ओम होंगे, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटी जो रिएक्टेंस होता है किसी भी कैपेसिटर के द्वारा कोई भी एसी सर्किट में जो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी शो करता है, वही करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलेंगे, जिसको हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक्स सी इक्वल टू क्या होता है वन अपान ओमेगा सी, ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई एफ इंटू सी। अगेन वी कैन राइट आई इक्वल टू क्या होगा वी एम डिवाइडेड बाई एक्स सी इंटू हो जाएंगे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या होगा 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अगेन अगर हम इस वी एम बाई एक्स सी को रिप्लेस करना चाहें वी आई इक्वल टू क्या होगा आई एम इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या होगा 90 डिग्री। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर फ्लोइंग करेंट थ्रू दिस कैपेसिटर ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल ए सी वोल्टेज वी, ठीक है। वेयर आई एम इज वॉट, वेयर आई एम इज वी एम डिवाइडेड बाई एक्स सी, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लोइंग करेंट, ठीक है, फ्लोइंग करेंट, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है कि हमने साइनोसाइडल नेचर का उसमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, साइनोसाइडल एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से उसमें साइनोसाइडल नेचर का ही इलेक्ट्रिकल करंट का उसमें फ्लो हुआ, बट फ्लोइंग जो करंट है वो प्लस यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहे हैं। तो प्लस 90 डिग्री को देखने से ये पता चल जा रहा है कि करंट जो है किसी भी कैपेसिटर में लीडिंग नेचर का होता है, लीडिंग बाय 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री क्या करता है वो लीड कर रहा है, ठीक है। 90 डिग्री क्या कर रहा है वो लीड कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में लीड कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज के लिए, मतलब क्या होता है करंट है और वोल्टेज है उन दोनों के बीच में ये प्लस 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करेंट, ठीक है, फ्लोइंग करेंट, ठीक है। तो ये 90 डिग्री जो है वो उसमें आप उसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो बिल्डअप होगा वो, और उसमें जो करेंट जो फ्लो होंगे उन दोनों के बीच में फेज को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो आई एम इक्वल टू लिख सकते हैं वी एम बाई एक्स 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 सी, एंड एक्स सी इज अगेन वी कैन राइट वन अपान ओमेगा सी, एंड अगेन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है टू पाई एफ इंटू सी होता है, क्लियर हुआ। सो दिस अब हमेशा के लिए याद रख लो कि किसी भी कैपेसिटर में वोल्टेज और उस कैपेसिटर में फ्लोइंग करेंट के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का फेस रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है, और ऑलवेज करेंट है वो लीडिंग रहता है, प्लस 90 है, इसके पहले वाले में माइनस 90 था इंडक्टर के केस में, तो इसमें क्या है आपका प्लस 90 डिग्री है, इसका मतलब करेंट लीड करता है इन केस ऑफ कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट करेंट फ्लोइंग करेंट करेंट लीडिंग बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या होता है करेंट है वो क्या होता है 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है।
तो ये रहा आपका करंट और वोल्टेज के बीच में फेस रिलेशन की बीच बात है ये, ठीक है। इसका ग्राफ अगर देखना चाहे, मतलब वेव फॉर्म देखना चाहे, तो वेव फॉर्म मैं ड्रा कर देता हूँ। चलो इसका वेव फॉर्म ड्रा कर लेते हैं। दो तरीके से बना सकते हो, ये ओमेगा टी रिस्पेक्ट ओमेगा टी एक्सिस है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करेंट है वो ओमेगा टी, दैट मीन्स एंगल के रिस्पेक्ट में क्या करता है, वेरी करता है। तो सपोज मैं यहाँ पर ये अपन का ये छोटा बन गया, बाकी आपको सेम बनाना है, ठीक है। ये आपका सपोज ये आपका पाई है, ये आपका क्या है 2 पाई, ऐसा पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसा आपका क्या होता है वैल्यू ऐसा, ये आपका 3 पाई होगा, ये क्या होंगे 4 पाई होंगे, ऐसा वेरी होगा। तो ये आपका वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, इसको वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो साइनोसाइडली क्या होता है, वेरी होता है। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करेंट क्या करता है, लीड करता है बोलते हैं। तो अगर लीडिंग, इसको वैसे तो इसको दो तरीके से बना सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब लीड करता है मतलब करेंट पहले वोल्टेज बाद। देखो यहाँ पर वोल्टेज है 0 डिग्री पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब वोल्टेज है 0 डिग्री पे स्टार्ट होंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, आपका जो करंट जो है वो क्या रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे। मतलब ये आपका ये ऐसा रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रहेंगे। फिर उसके बाद इस टाइप से, तो ये आपका ये छोटा वाला जो वेव फॉर्म है, ये वाला जो वाला है वो क्या है, आई एम इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपका फ्लोविंग करंट है, जिसकी नेचर है वो भी क्या है, साइनोसाइडल। तो देख सकते हैं जब वोल्टेज की वैल्यू है 0 डिग्री पे 0 है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो दोनों के भी, या फिर देख सकते हैं जब ये 0 डिग्री पे, अब ये आपका क्या है, तो इन दोनों के बीच में फेस का जो रिलेशन है वो क्या है, पाई बाई टू या फिर 90 डिग्री। तो पाई बाई टू मतलब वोल्टेज है वो लेग करता है, मतलब किसी भी कैपेसिटर में वोल्टेज की वैल्यू है करंट के रिस्पेक्ट में क्या करता है, लेगिंग शो करता है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये वोल्टेज आपका वेव फॉर्म क्लियर हो गया होगा। दोनों के बीच में फेस का रिलेशन ऑलवेज कितना होता है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूँ, इंस्टेंटेनियस तो कोई भी कैपेसिटर की इंस्टेंटेनियस पावर पी इक्वल टू वी इंटू क्या होगा, आई। तो उसमें इंस्टेंटेनियस जो पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होंगे वो, और इंटू उसमें फ्लोविंग करंट, दोनों का प्रोडक्ट है, वही क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे पावर। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई एम इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका करंट है जो लीडिंग करता है, ये आपका वोल्टेज है जो क्या करता है, लेगिंग करता है। तो वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो, और इस पोटेंशियल के कारण उसमें फ्लोविंग करंट क्या है, ये। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एम इंटू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या है, 90 डिग्री। क्लियर हुआ? अगर हम इसको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करें, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करने साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू, हम इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा के जगह में यहाँ पर क्या है, आप ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी है इनटू क्या हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी। तो मैंने इसको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके कॉस ओमेगा टी में रिप्लेस कर दिया। वी एम, हम इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। मैंने इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको फिर से अरेंज कर देता हूँ, तो वी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू पी। तो ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में दिख रहे हैं। अगेन इसको अगर मैं साइनो मैथमेटिक्स के ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके रिप्लेस करूं, तो वी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या होता है, ये साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा के जगह में क्या है,
ओमेगा टू. सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर इन केस ऑफ कैपेसिटर वेन एवर वी अप्लाई दी एक्सटर्नल एसी वोल्टेज. ठीक है, तो जब भी हम उस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस एक्सटर्नल एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसमें इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला है. तो देखने से पता चल जा रहा है कि हमने उसमें साइनोसाइडल नेचर का एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो साइनोसाइडल नेचर का ही उसमें पावर डेवलप्ड हो रहा है, बस डेवलप्ड इंस्टेंटेनियस पावर जो है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे वोल्टेज और करेंट सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या है, जस्ट डबल है. क्योंकि हमारा करेंट है वो साइन ओमेगा, सिर्फ ओमेगा था, वोल्टेज में भी ओमेगा था, यहाँ पर क्या है टू ओमेगा, और ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो यदि किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एंगल के टर्म में मेजर करें तो वह फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है. तो इंस्टेंटेनियस जो पावर जो डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड पावर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी करेंट और वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है. क्लियर हुआ? और डेवलप्ड पावर है उसकी नेचर भी क्या दिखाई दे रहा है हमें, साइनोसाइड है. अगर हम इसकी पावर का कैलकुलेशन हम होल साइकिल के लिए देखें, सो पावर फॉर होल साइकिल और कंप्लीट साइकिल और एवरेज पावर पी, इसकी अगर हम कंप्लीट एक, क्योंकि साइनोसाइडल सिग्नल है सिमेट्रिक सिग्नल है, प्योर साइनोसाइडल सिग्नल एक सिमेट्रिक सिग्नल है. तो जब भी किसी प्योर सिमेट्रिक साइनोसाइडल सिग्नल, सिमेट्रिक एसी सिग्नल की अगर हम एवरेज पावर का कैलकुलेशन करें तो कंप्लीट साइकिल के लिए उसकी पावर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, जीरो. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके इसका निकाल दूँ VM IM by 2, इसका इंटीग्रेशन करके इसका एक साइकिल के लिए 0 से 2 pi केस के लिए साइन ऑफ 2 ओमेगा t, इसका एवरेज पावर कैलकुलेशन करूँ, एवरेज पावर कैलकुलेशन करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे वन साइकिल के लिए, तो 0 से 2 pi के लिए इस पावर सिग्नल का मैंने इंटीग्रेशन किया. किसी प्योर साइनोसाइडल सिग्नल का जो इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल के लिए ऑलवेज क्या होगा, जीरो. तो इसकी पावर की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो. तो कंप्लीट साइकिल के लिए किसी प्योर सिमेट्रिक एसी सिग्नल की पावर जो होता है वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो. तो कैपेसिटर के केस में उसमें पावर जो होंगे, एवरेज जो पावर वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा. इसका मतलब ये होगा कि उस कैपेसिटर को एक्सटर्नल सप्लाई से जो पावर की डिमांड होगा, एवरेज जो पावर डिमांड है वो जीरो होंगे. इसका मतलब ये होगा उस अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज का कुछ भी वोल्टेज है उसको अपने अंदर वो ड्रॉप नहीं करेगा, अपने अंदर एनर्जी का लॉस नहीं कर. तो पावर जो डिमांड है, एवरेज पावर डिमांड फ्रॉम एक्सटर्नल एसी सप्लाई इज जीरो इन केस ऑफ कैपेसिटर. इसका मतलब उस कैपेसिटर के अंदर की इंटरनल जो पावर कंजम्पशन है वो क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो हमने पावर VM इक्वल टू क्या निकाले थे, IM VM by 2 into क्या लिखा थे, sin 2 ओमेगा टी. यहाँ पर पावर सिग्नल का एक्सप्रेशन है VM by 2 जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर को शो करता है, इंस्टेंटेनियस पावर. ठीक है, तो अगर साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू अगर यूनिटी है तो साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू जब यूनिटी है तो उस पर्टिकुलर केस में पावर की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ठीक है, सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर पावर्स सिग्नल इन केस ऑफ कैपेसिटर वेन एवर वी अप्लाइड एक्सटर्नल एसी वोल्टेज. तो इस कंप्लीट थ्योरी में हमने दो चीज़ जाना, क्या, एक तो करेंट और वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन है वो 90 डिग्री होता है. दूसरी बात यह है कि किसी भी कैपेसिटर में वोल्टेज की नेचर है वो लैगिंग रहता है, मतलब वोल्टेज है वो पीछे रहता है विथ रिस्पेक्ट टू करेंट बाय 90 डिग्री. तो करेंट की नेचर है वो लीडिंग है, करंट आगे रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, पीछे रहता है, और दोनों के बीच में फेस का रिलेशन है कितना मिलता है, 90 डिग्री. और किसी भी आइडियल कैपेसिटर की इंटरनल पावर कंजम्पशन जो होता है, पावर जो लॉसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, आइडियली जीरो, मतलब वो किसी एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज से एवरेज जो पावर जो डिमांड होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा. तो ये था, हमने इसमें एक्स सी निकाले, एक्स सी आप यूज़ करते थे लेकिन एक्स सी कहाँ से है ये नहीं पता था. तो एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इसका वैल्यू होता है ओमेगा सी. अगर सी की वैल्यू फैराड में
हैं, ओमेगा की वैल्यू अगर रेडियन पर सेकेंड में है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होंगे वो ऑलवेज क्या होगा, ओम में होगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या करता है, करेंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। तो किसी भी एसी सर्किट में किसी भी कैपेसिटर के द्वारा जो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है, उसी करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम उसका क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका यूनिट होता है ऑलवेज क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यदि किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एंगल के फॉर्म में मेजर करें तो वही क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि 2 पाई का यूनिट रेडियन, फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/सेकेंड, तो क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।